हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिक्स वेज चना दाल की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मिक्स वेज चना दाल की सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ चना दाल हाफ कटोरी, एक बैंगन, हाफ मूली, थोड़ा सा बरबटी, तुरई एक तुरई, थोड़ा सा पपीता, पपीता थोड़ा सा बन गया है, एक आलू और थोड़ा सा पत्ता गोभी, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर। बाद में हम सूखा मसाला ऐड करेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब हम इसमें तेल डालेंगे, 3 बड़े चम्मच तेल। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच जीरा। जीरा चटक गया है, अब हम इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, प्याज, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का 1 मिनट भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चा स्मेल है वो दूर हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़े चम्मच करी पाउडर, 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को हम 2 मिनट भुनेंगे। मसाला भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसमें सारे वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। आलू, पपीता, पत्ता गोभी, चना दाल, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1 छोटे चम्मच। सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके हम इसको ढककर 2 मिनट छोड़ देंगे।
दो मिनट हो गया है, अब हम चेक करेंगे। देखिए हमारा बैंगन थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम सब्जी में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा आलू और बाकी सब्जी अच्छे से पक सके। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। अब हम इसको ढककर 5 से 7 मिनट छोड़ देंगे ताकि हमारा चना दाल, आलू और बाकी सब्जी अच्छे से पक सके। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। 7-8 मिनट हो गया है, अब हम चेक करेंगे। देखिए कितनी अच्छे से बनी है हमारा सब्जी। आलू को चेक करेंगे, आलू पक गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। धनिया पत्ता डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। ये बन गया मिक्स वेज चना दाल की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और आपका अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए नीचे वाले कमेंट बॉक्स पर। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू।